हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही फ्लेकी और क्रिस्पी आलू पैटीज। इन्हें हम बिना ओवन के बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदा लिया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, इसको थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 कप देसी घी। आप अच्छी पैटीज बनाने के लिए घी या बटर का ही यूज़ करें, ऑयल का यूज़ ना करें। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि आटे में अच्छी तरह से मोयन लग जाए। और ये देखिए, इसकी मुट्ठी बन गई है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। और इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। और जितने डो तैयार होता है इतने हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम गैस पर एक पैन ले लेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। अब डालेंगे 1 मीडियम बारीक कटी हुई प्याज और इसको हल्का गुलाबी कलर आने तक भून लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम हाई पर किया हुआ है। प्याज हमारी भूनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बॉइल की हुई मटर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इन सबको मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को इस वक्त हमने लो पर किया हुआ है। ये 4 मीडियम बॉइल्ड मैश किए हुए आलू लिए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसमें। अब हम इनको दबाते हुए मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और लगातार चलाते हुए इनको 3-4 मिनट भूनेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर देते हैं और ये हमारी फ्लिंग तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून मैदा ली है। इसमें अब हम लगभग 6 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उसको मेल्ट कर लीजिए हल्का सा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा पैटीज को फ्लेकी बनाने के लिए पेस्ट तैयार हो गया है, जो कि हमने घी और मैदे से तैयार किया है। और ये हमारा डो भी तैयार हो गया है। इसको दोबारा से एक बार मल लेंगे। डो को हम 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इन सब की गोल लोइयां बना लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हमें बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ही ज्यादा पतला नहीं बेलना है, बस इतना ही थिकनेस रखेंगे हम इसकी। और इस रोटी को हम एक तरफ रख देते हैं और बाकी की रोटियों को भी हम इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमने 7 रोटियां बेलकर तैयार कर ली हैं। अब हम चकले पर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे, उसके ऊपर एक रोटी रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने मैदे और घी से पेस्ट तैयार किया है उसको लगाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से
चारों तरफ फैलाकर लगा देंगे। थोड़ा सा अब इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे। अब हम दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। और इसी तरह से इसके ऊपर भी पहले घी और मैदे का पेस्ट लगाएंगे और ऊपर से सूखा मैदा डस्ट करेंगे। और इसी तरह से हम सारी रोटियों को एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे। और ये हमारी आ गई है लास्ट रोटी। इसके ऊपर भी हम पहले पेस्ट लगाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इन सब को एक तरफ से टाइटली फोल्ड करेंगे इस तरह से। और तब ये इस तरह से पूरी तरह रोल हो जाएगा। तो हम इसे रोल करते हुए ही थोड़ा सा लंबा करेंगे। अब हम इस रोल के दोनों साइड्स के पार्ट्स हटा देंगे इस तरह से और लगभग एक इंच के पीसेस में इसको कट करते जाएंगे। और ये देखिए इनमें कितनी अच्छी लेयर्स आ गई हैं। और ये हमारे सारे पीसेस कट हो गए हैं। अब हम एक पीस लेंगे और इसको इस तरह से दबा देंगे। और इसी तरह से हम सारे पीसेस को तैयार कर लेंगे। और ये देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर्स बनी हुई हैं। और अब हम एक पीस उठाएंगे और उसको बेल लेंगे। और ये देखिए इसमें बेलने के बाद भी आपको लेयर्स दिख रही होंगी। अब हम इस रोटी की साइड्स को काट देंगे और एक स्क्वायर पीस बना लेंगे। अब हमने जो फ्लिंग तैयार की थी उसको इस पर रखेंगे। और इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे जिससे कि इसकी लेयर आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं और वो ऑयल में जाकर खुले ना। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे चारों तरफ से। आप चाहें तो फोक से इस तरह से इस पर डिज़ाइन भी बना दें। इससे लेयर्स आपस में अच्छी तरह से चिपक भी जाएंगी। इसी तरह से हम सारी पैटीज को तैयार कर लेंगे। गैस पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, लेकिन हमें ऑयल को बहुत ही हल्का गर्म करना है। इस वक्त जो हमारा ऑयल है वो बहुत हल्का गर्म है। इसमें पैटीज को हम डाल देंगे और इनको सिकने देंगे जब तक कि ये तैरकर ऑयल के ऊपर नहीं आ जाते। फ्लेम को हम लो पर ही रखेंगे। और ये देखिए हमारी जो पैटीज हैं वो ऑयल के ऊपर आ गई हैं। अब हम इनको हल्के हाथ से पलट देंगे। और ये देखिए इनमें हल्का हल्का कलर आ गया है। तो इस वक्त हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे, लो मीडियम पर कर लेंगे। और ये हमारी पैटीज बनकर तैयार हो गई हैं। और ये देखिए इनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये बहुत ही फ्लेकी बनी हैं। इनको निकाल लेते हैं। जब आप दूसरी पैटीज ऑयल में डालें तो ऑयल का टेम्परेचर कम ही होना चाहिए। ये फ्लेकी क्रिस्पी टेस्टी पैटीज आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। आपको खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।